जो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों बढ़िया स्कोर करना चाहते हो भाई, तो इन टॉपिक्स को ना खा जाना बढ़िया से। देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई सब कुछ मत पढ़ो, सब कुछ पढ़ो लेकिन टाइम कम हो और आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई इन टॉपिक से पक्का ही क्वेश्चन आएगा, तो पक्का क्वेश्चन आएगा ऐसे टॉपिक लाए हैं। तो प्लीज इन टॉपिक को बढ़िया से खा लेना, आपको मजा आ जाएगा। और ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है कि अगर इन टॉपिक्स को करके जाओगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे पक्का पक्का। देखो अरे यार बड़ा बड़ा दुखी रहता हूं मैं, ये गिर जाता है ठीक है, क्योंकि असली वाला माइक 25,000 का था, मैंने जुगाड़ लगा रखा है, यहाँ दूसरे का तार काट के इसमें फिट कर रखा है। चलो छोड़ो, तो लिखा है हाँ, और दोबारा केमिस्ट्री की अगर क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो भाई अपने स्कूल का नाम कमेंट में लिखो, मैं उन्हीं स्कूल के क्वेश्चन पेपर निकालूंगा प्रीवियस ईयर के और उन क्वेश्चंस को डालूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा। देखो सो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड अप, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना इन टॉपिक्स के, ठीक है। और बता दूंगा कि लास्ट में आपको कहां से देखना है, सब पहले वेट करो भाई। इनके ऊपर ना सिग्निफिकेंट फिगर, खास करके सिग्निफिकेंट फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यहां से आपको एमसीक्यू दिखाई देता है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें भाई, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल या एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ज्यादा नोटंकी नहीं करनी है कि भाई क्या करना है, तो ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट लिंक में लगा दूंगा, और इसके टॉपिक भी पढ़ा रखे हैं, चैप्टर को भी वन शॉट में पढ़ा रखा है, और ऑलरेडी इसके न्यूमेरिकल मैंने कर रखा है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट या सारे, ठीक है। सुनो, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका कंसंट्रेशन टर्म्स में ध्यान रखना, मोलैरिटी वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज कंसंट्रेशन टर्म्स और ये सब बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि सर मैं कहां से करूं क्या करूं, तो लिंक मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट में, वहां से कर लेना। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्वेश्चन आता है, हाँ आता है बिल्कुल, बोर्स के मॉडल से क्वेश्चन आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली और हाइजनबर्ग, यहां से पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, बोर्स मॉडल से भी कभी कभी आता है, पर इन दोनों से तो पक्का ही क्वेश्चन आता है, पक्के वाले टॉपिक है। और आपको पता है क्वांटम नंबर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो प्लीज सब पढ़ो इन टॉपिक को बढ़िया से पढ़ो, एकदम खा जाओ इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बच्चे कहते हैं सर हम इस चैप्टर से सिर्फ क्या पढ़ के जाए, तो हम कहते हैं ये पढ़ के चले जाओ, और आपको समझ नहीं आ रहा भाई कौन से न्यूमेरिकल करने हैं क्या पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज उनको कर लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, बच्चे बार बार मुझे यही कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए इस चैप्टर की बात करते हैं, तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन में ना कई बार आपको आईयूपीएससी नेम से क्वेश्चन दिखाई देगा, एलिमेंट्स के आईयूपीएससी नेम 101 102 वाले, ठीक है ना। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका आयनाइजेशन इनथैल्पी से, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से, ये आपके बहुत हॉट टॉपिक है, एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज एनसीईआरटी के ये वाले टॉपिक क्वेश्चन कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, आपके पास टाइम है पूरा पढ़ो, समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़ो तो एक बार मेरी वीडियो से पढ़ के देखो, आप भाई मेरे से प्यार कर बैठोगे, मैं यकीन नहीं, अब क्या बोलूं मैं आपको, मुझसे प्यार हो जाएगा, आप बोलोगे सर कहां थे इतने दिनों से, अगर एक बार मेरी वीडियो से पढ़ लिया ना मैं कॉन्फिडेंट हूं, देख लेना आप। चलिए, अभी कुछ दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं एक्टिव नहीं हूं मुझे पता है, लेकिन आपके लिए मेहनत मैं करूंगा, आपके लिए मैं ना फिजिक्स की पूरी बुक वन शॉट बना रहा हूं, केमिस्ट्री का भी बुक वन शॉट बना रहा हूं, तो बताओ कब तक चाहिए आपको। देखो फिजिक्स का तो ऑलमोस्ट हो गया है, पर तबीयत इतनी खराब थी कि चीजें मैं इतने अच्छे से कर नहीं पाया, और केमिस्ट्री का वन शॉट भी बना रहा हूं, होपफुली 9 तारीख तक आपको दे दूंगा, मैं पूरी केमिस्ट्री का वन शॉट आपको दे दूंगा 9 तारीख तक। अब देखो लिखा है केमिकल बॉन्डिंग, भाई साहब क्या बात है, केमिकल बॉन्डिंग में लुईस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस और सबसे इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मल चार्ज के ऊपर भी क्वेश्चन तैरता हुआ दिखता है, वीबीटी में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड थोड़ा बहुत पूछते हैं, वेस्पर थ्योरी में भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमओटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमओटी में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर वाला, ये सब कुछ ना कुछ यहां से तो पक्का ही आएगा, ठीक है ना। तो एमओआर नहीं है, एमओटी है, सॉरी एमओटी, तो प्लीज इन जहां मैंने लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, और ये टॉपिक पक्का करना बढ़िया से, दिल से करना, और आपको समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़े तो मेरे चैनल पे छोटी वीडियो भी डली हुई है 1 घंटे की, बड़ी वीडियो भी डली हुई है 5-6 घंटे की, 4 घंटे की डली हुई है, तो जिस वैरायटी का आपको देखना है उस वैरायटी का आप देख सकते हो बहुत, और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज एक बार वीडियो देखना, और आपको केमिस्ट्री से ना प्यार हो जाएगा, आपका डर ना घुस जाएगा कहीं पे, ठीक है। अब देखो अगला अपने पास जो हाफ ईयरली का है अपने पास, ये है अपने पास रिडॉक्स, रिडॉक्स में कुछ भी पढ़ लो, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूं, पढ़ने का मन है सब कुछ पढ़ो, लेकिन जब एग्जाम में दिन कम होते हैं ना और मैं पास होने का या बहुत बढ़िया नंबर लाने का डर होता है, तो सिर्फ उन टॉपिक्स, सिर्फ नहीं उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी और भी हम बातें करते हैं, एक सेकंड का मुझे टाइम दो जी। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, अगर आपको ऐसे प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो मैंने अपने ऐप और वेबसाइट पर डाल दिया है, वहां से जाके आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पसंद आए तो आप मुनील सर ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाना, और आपको क्लास 11th के फिजिक्स के नोट्स यहां से मिल जाएंगे, और क्लास 11th के आपको नोट्स मिल जाएंगे फिजिक्स के, यहाँ से मिल जाएंगे प्रीमियम नोट्स, ठीक है, रिकॉर्डेड में जाके, पहले इसको ख़रीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे ही क्लास 11th की केमिस्ट्री के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, वो अपडेट कर दिए जाएंगे, और आप चाहो तो इस क्वेश्चन बैंक को ट्राई कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्लास 11th केमिस्ट्री का ये रहा, क्लास 11th केमिस्ट्री में जाओ, इस क्वेश्चन बैंक को ट्राई करो भाई, आपको मज़ा आ जाएगा, आनंद बोलते हैं जिसको, आनंद
आपको आ जाएगा आनंद। इसमें इतने गजब गजब क्वेश्चन है, मैं आपको क्या दिखाऊँ, सारे क्वेश्चन कहाँ पर आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो चाहे केवीएस हो, और सबसे खास बात क्या है, इनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं हैंड रिटन, बहुत गजब सॉल्यूशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिख रहा हो तो, ठीक है ना। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स खरीद सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप चाहे तो ये सब चीज़ें भी खरीद सकते हो। तो क्लास इलेवन केमिस्ट्री में ब्रह्मास्त्र खरीदना है आपको, ये रहा ब्रह्मास्त्र खरीदना है, क्लास इलेवन केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र जो क्वेश्चन बैंक है वो खरीदना है। फिर आपको क्लास इलेवन प्रीमियम नोट्स खरीदने हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नोट्स खरीदने हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, खरीदिए और मजे लीजिए, है ना, एकदम बढ़िया से नोट्स सब कुछ खरीदिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने खुद एक केमिस्ट्री की बुक बनाई है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उसके बारे में। उस बुक से बाहर अगर आपका एक क्वेश्चन भी आ जाए ना, मैं गारंटी ले रहा हूं, इस बुक से बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत मेहनत से, 3-4 महीने की मेहनत से बुक बना हुआ है, ठीक है। ये बुक आपको मिल जाएगा मेरे ऐप और वेबसाइट पे, बहुत ही मतलब इको फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया है ये, मतलब इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चे भी यही कहते हैं सर एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो केमिस्ट्री का इस बुक को लीजिए, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और उसके अंदर क्वेश्चन भी है, किस एग्जाम में आया ये भी दिया हुआ है, और उसके आंसर्स भी, हैंड रिटन आंसर्स भी दिए हुए। तो यकीन मानो आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक फॉर ऐप, लिंक फॉर वेबसाइट। आप चेक करो, इस बुक को लो और मुझे सपोर्ट करो जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। और आपका खूब भला होगा, बस मेहनत करना दिल से। यकीन मानो हर खानदान में एक ऐसा बच्चा होता है जो पूरे खानदान को बदल के रख देता है, सारी सिचुएशन को बदल के रख देता है। और मुझे पता है वो आप हो और आप बनोगे। बस अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने मम्मी पापा का चेहरा देखना है और उनके लिए मेहनत करना है। मैं आपके साथ हूं बिल्कुल एंड तक, जब तक आप बोलो मेरे साथ हूं मैं आपके साथ हूं, धूम मचा देंगे, मिलके दोनों आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। स्कूल का नाम जरूर लिखना कमेंट में, मुझे क्वेश्चन की सीरीज बनानी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।